पंजाब विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वलों बजट पेश किया गया है। यह बजट 1,96,462 करोड़ रुपए का। आम आदमी पार्टी के वलों कहा जा रहा है कि यह बजट आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, पर उत्थे ही विरोधी पार्टियां दे वलों इस बजट नूं लैके तंज कसे जा रहे हैं। विरोधी पार्टियां दे वलों कहा जा रहा है कि इस बजट ने आम लोगों की उम्मीदों नूं चकना चूर कर दिता है। आम आदमी पार्टी के वलों जिहड़ियां गरंटियां लोगों के नाल कीतियां गईयां सी उन्हां नूं पूरा नहीं किया गया। दस दईए कि कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग दे वलों पेपरलैस बजट से भी सवाल चुकया गया। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के वलों कहा गया सी कि यह पेपरलैस बजट होगा, पर आम आदमी पार्टी के वलों तो इस दियां पहला ही कापियां छपवा लिया गई सी, तां यह पेपरलैस बजट किवें हो गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सब नू बस मूर्ख बना रही है। नाल ही राजा वड़िंग ने कहा है कि 1,000 रुपए औरतों नू देण दे नाते जो वोटां इकट्ठियां कीतियां गईयां सी औरतों नू तां उह 1,000 रुपए भी नहीं दिते गए। अज बजट सैशन सीगा, बजट पेश होया है और थानू पहला गल दसनी चाहना है कि सानू सारे नू बार कोड दे राही कहता कि एक आ गया कि इट्स अ पेपरलैस बजट, हर चीज़ नू घुमा फरा के एडवरटाइजमेंट दे रूप दे विच मूर्ख बनाउन दे मूर्ख उहदे विच रख्या जांदा है। थोड़े सामने पहला बार कोड देते कहिंदे भी सारे ने आपदे फोन ते अपलोड कर लिया, असीं आख्या भी नहीं आ हुणे थोड़ा बंदा करके गया है। कहते फिर जे कहने तो कापियां दे दें, जो कापियां छपा ही रखी हैं तुसी ऑलरेडी ये किताबा छपा रखी हैं बजट दियाँ तो सानू दे दो, ये सानू पुछ के दित्तियां गई, नहीं तो रद्दी सड़ देनियां सी बात सारे दियाँ सारियाँ। कहन दा भाव कि जनता नू विखा रहे कि इट्स अ पेपरलैस बजट, पिछले वेले का होया एक साल का, जे पेपरलैस बजट है तो फिर ये किताब छपाउण की जरूरत की है, तो जे छपा ही ली है तो फिर साढ़े टेबल ते रख दे, पुछन की लोड़ है। सो कहन दा भाव हर गल नू घुमा फरा के पेश करना इस सरकार की आदत है। तुसी देखिया होना मैं क्यों उठा, हर वारी बजट दे विच बजट स्पीच दे विच पॉइंट ऑफ आर्डर साडा हक बनता है। 48 पेज सुन तो बाद 2 घंटे आराम दे नाल बजट सुन तो बाद अखीरले सफ़िया ते जदों बजट सीगा ते मैं पॉइंट ऑफ आर्डर मंग लिया, पॉइंट ऑफ आर्डर नहीं दिता गया। वो इस करके सी कि समाजिक सुरक्षा वाला जिहड़ा वो पन्ना सी जिहदे करके सरकार बनी कि 1,000 रुपया असीं औरतां नूं देंगे, पिछला साल चला गया यानी कि 365 दिन चले गए उन्हां औरतां दे जिहड़ियां बेसहारा मेरियां भैणां मावां धीआं उड़ीक रही हैं वो 1,000 रुपए नूं। अज दे बजट दे विच यानी कि साल बाद अगर आएगा तो 2 साल चले जाएंगे। सो बहुत वड्डी लोगों के नाल धोखा किया, वो 1,000 रुपया जिहड़ा औरतां नूं देना सी मेरियां भैणां नूं, मैं उहदे बारे गल करनी सी भी कदों लागू करनगे। उन्होंने पंजाब दे कर्जे ते गल करदिया कहा कि जब साडी सरकार सी तां 5 सालां च असीं 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया सी, पर आप सरकार दे वल्लों 1 साल दे अंदर ही 31,000 करोड़ रुपए का कर्जा लै लिया गया। इन्हां ने 1 साल च इन्ना कर्जा लै लिया तां अगले 5 सालां च पंजाब दे सिर इह किन्ना कर्जा चाढ़नगे। कि असीं जिहड़ा कर्जा सीगा ਉਹ 2,81,000 करोड़ रुपया ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ 73,000 करोड़ रुपया ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ 73,000 करोड़ रुपया ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ 31,000 करोड़ रुपया ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ 2023 ਦੇ 3.12 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ 'ਚ 31,000 हो गया ते अगले साल होर 35,000 करोड़ रुपया कर्जा लैण दी तजवीज रखती है, ते जाने कि तुसी वेख लो भी 2 सालां 'च 66,000 करोड़ रुपया हो जूगा। 31,000 तो इस साल का हो गया ते 35,000 करोड़ रुपया अगले सालां दे आसे रख लिया गया भी भाई असीं कर्जा लवांगे। पिछला बजट 1,55,000 करोड़ की 20% जिहड़ा जाने कि 31,000 रुपया कहिंदे सी करप्शन है, 20% जिहड़ा बजट पास होया सी पेश होया सी 1,55,000 करोड़ रुपए का, उहदे च कहिंदे हुंदे सी
20% तो हम वैसे ही ले आएंगे, यानी कि 31,000 करोड़ रुपया अगले 5 साल 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब ते चाड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि इस बजट ने पंजाब की जनता दी उम्मीदा नूं चकना चूर किया, क्योंकि आज बहुत इंपोर्टेंट दिन है। असी बजट में पार्टिसिपेट करने वास्ते आए हैं, सारा बजट असी सुनिया, सारे बजट दे विच बहुत वड्डी सानू नमोशी हुई, क्योंकि बजट दे विच कढ़न पाउण नूं है ही कुछ नहीं। जिस तरह मेरे साथी ने पहले तो दस्सिया, 75 साल दियां सरकारां ने कर्जा जाड़िया 2,75,000 करोड़, जे 5 साल कट गए, जिहदे ते बहुत वड्डा प्रश्न चिन्ह है, जे 5 साल कट के कितने मिनिमम जिस एवरेज ने चल रहे ने तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा होर हो जाए, सो ये क्लोज टू 500,000, ये तकरीबन 5 लाख करोड़ दे कर्जे तक कर्जाई करके ये पंजाब नूं जाण वाले लोग ने। उथे ही अकाली दल तो हरसिमरत कौर बादल ने भी इस बजट की निखेधी की है। उन्होंने कहा कि 1 साल दे विच पंजाब दे उते इस सरकार ने कर्जा चाड़ दिता है। उन्होंने ये भी कहा कि बादल साहब ने जो गरीबा दे लई स्कीमां शुरू कीतियां सी वो स्कीमां भी इन्होंने बंद कर दित्तियां ने, इस सरकार सिर्फ गरीबा दे ढिड ते लत मार रही है। उथे ही उन्होंने पंजाब की कानून व्यवस्था से बोलदियां कहा कि इन्हां दे राज दे विच पंजाब दे विच लुट्टां खूहां वध गईयां ने, जिस नाल पंजाब दे लोक परेशान हो रहे ने। बदलाव लेके आन गए तो आज बजट पेश किया, पूरा साल हो गया सरकार नो बने बजट पेश किया, थानू हैरानी होगी कि 12 महीनियां चे उन्होंने 1 साल चे 1 लाख करोड़ दा कर्जा लिता, इन्हें 12 महीनियां चे 42,500 करोड़ रुपए 12 महीनियां चे लै गया, अजे 4 साल पए। ते एक कहता सी मैं तो भ्रष्टाचार खत्म करके 35,000 करोड़ नजायज शराब रेते ए चोरी सारी रोक के मैं 35,000 करोड़ कट्ठा करके बीबियां दे खाते च 1,000 रुपया दवांगा, बुजुर्गां नूं 2,500 पेंशन दवांगा, बच्चे विदेश जिहड़े गए ने इत्थे तां धरने लगणगे नहीं, सारिआं नूं कच्चिआं नूं पक्कीआं नूं सारे नौकरी, बाहर गए बच्चे आके गोरे भी आणगे नौकरियां वास्ते। तो मैनूं दसो कि इहने भ्रिष्टाचार तां की लोड़ रोकिआ, मेजर साहब ने पहले ही दस्सता कि इहदे मंत्री किन्ना भ्रिष्टाचार, इहदे MLA किन्ने भ्रिष्टाचार कर रहे ने। अज आप विधानसभा च कहा कि 42,000 करोड़ का कर्जा जिहड़ा चाड़ता लोगों नूं की मिला है साल भर च, 12,000 रुपए साडे खाते च आ जाने चाहिए सके, बनी नहीं किसी के खाते च आई। पेंशन वास्ते बीबिया बेचारे बुजुर्ग कहते पेंशन लगवा दे, नवी पेंशन नहीं लग रही। शगन की स्कीम बादल साहब ने फड़ी सी गरीबा की, बहुत स्कीम ही बंद करती साल भर च, किसी का चेक नहीं आया। तो जेड़े बादल साहब ने बेचारे गरीब न आटा दाल दे के कार्ड बनवाए से, हूँ कार्ड भी कट्टन च लग पे, पिंड पिंड चे कार्ड कट्टे जा रहे हैं। बई तू नवा कुछ नहीं देना, जिहड़ी झूठ गारंटियां दित्तियां सी नहीं देना, जिहड़ा मिलदा सी ओह बनाना लत मार गरीब दे ढिड चे। सब दुख होंदा है कि एक पासे बच्चे छड़ छड़ विदेशां वल भज रहे ने, इत्थे रह के मापिया दी जमीना जायदादा बेच के पैसे लैके उत्थे जा रहे ने, दूजे पासे कानून व्यवस्था दा आ हाल होया है, लुट्टां खोआ खून खराबे थानिया दे उत्ते कब्जे पुलसा सिर, ए हाल होया है कि साडे जिहड़े इंडस्ट्री है इंडस्ट्री नूं छड्ड के जा रहे। सो पंजाब दे माहौल नूं जानबूझ के खराब कीता जा रहा। बजट ते बोलदे आ भाजपा लीडर सुभाष शर्मा ने वड्डा बयान दिता है, उन्होंने कहा है कि यह बजट पंजाब दे लोकां दे नाल ठगी दा इक दस्तावेज है। उन्होंने कहा है कि आपने जिन्हें भी वादे किए सी उन्हां दे विचों एक भी वादा पूरा नहीं किया। आम आदमी पार्टी सरकार ने जिहड़ा बजट पेश किया है वो पंजाबियों नाल ठगी दा दस्तावेज है। पंजाब दियां साडियां मातावां भैणां इंतजार कर रही सी, क्योंकि सरकार नूं 1 साल पूरा हो गया सी कि पिछले 1 साल दा 1,000 रुपए महीने दे हिसाब नाल 12,000 रुपया ते अगले महीने तो 1,000 रुपया रोज़ दा प्रावधान इस बजट च रखिया जाएगा। बड़ी उम्मीद ला के बजट सुन रही सी पर उन्हां नूं ठगी ते धोखा मिलिया। पंजाब दे किसान इंतजार कर रहे सी कि कर्जा माफ़ी दा जिहड़ी गरंटी दित्ती सी उह पूरी करनगे इस बजट च। जिहड़ियां घोषणावां गरंटियां दिंदे रहे कि असीं पंजाब सरकार वल्लों MSP देंगे उहदी गल इह बजट च करनगे, उहदा कोई जिक्र नहीं है। सारे महकमिआं दे कच्चे मुलाजम इंतजार कर रहे सी कि गरंटियां दित्तियां सी केजरीवाल ते भगवंत मान ने घर घर जाके सब नूं पक्के करांगे, उहदी कोई गल बजट च इन्हां ने नहीं कीती।
ऐसियां और किन्नियां गारंटियां ते किन्ने झूठे वादे इस पार्टी ने किए सी इलेक्शन तो पहला जिन्हां दी गल ही बजट च नहीं की इन्होंने। सो इस करके झूठ का ठगी का दस्तावेज है जिन्हें पंजाबियों का दिल दुखाया, पंजाब नूं पिछे लैके जाने वाला बजट है। सवाए आंकड़िया की जादूगरी दे और अपनी झूठी पिट थपथपाण दे इस बजट च पंजाब लई पंजाबियों लई कुछ नहीं है। इस करके भारतीय जनता पार्टी इस बजट नूं पूरी तरह नाल खारिज करती है और इस ठगी लई इस धोखे लई आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की और हरपाल चीमा की सख्त निखेधी भी करती है। सरकार दे इस बजट नूं 100 चों 0 नंबर है, अगर 0 तो भी घट कोई नंबर होंदे ते दे सकदे। निराशा हाथ लगी है।